जैसे ही इसका लीज एग्रीमेंट और सारा काम पूरा फाइनल होगा विजिटर वे इसको एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड वाचिंग द एवियसमेंट। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रहा है, जो कि इसका ऑपरेशन से रिलेटेड है और इसका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, यानी कि जेट एयरवेज का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो कब तक आएगा और क्या कुछ होने वाला है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन एंड फुल नॉलेज यहाँ से मिल सके। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो यार, जेट एयरवेज के मैंने बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रीवियस टू अपडेट्स की तो कुछ दो अपडेट सही नहीं रहा था, यानी कि नेगेटिव अपडेट था, बैड न्यूज था कि जेट एयरवेज से बहुत सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं, बहुत अपर मैनेजमेंट के लोग रिजाइन कर रहे हैं। फिर था कि जेट एयरवेज जो सितंबर में स्टार्ट होने वाली थी वो सितंबर में स्टार्ट नहीं होगी, मे बी अब दिसंबर तक इसका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो सकता है और मे बी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 भी हो सकता है। तो ये जो न्यूज था वो सही नहीं था, लेकिन आज जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है काफी पॉजिटिव न्यूज है जेट एयरवेज के लिए, एविएशन लवर्स के लिए। सो न्यूज ये है कि जो जेट एयरवेज है, ये बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जेट एयरवेज एयरबस ले रही है, जेट एयरवेज बोइंग ले रही है, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन था। बट गाइस, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो जेट एयरवेज है वो एयरबस A320, जी हाँ गाइस, एयरबस A320 के लिए अपना जो लीज एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया है। तो ये जो न्यूज है जेट एयरवेज का लीज एग्रीमेंट का, कि जेट एयरवेज ने लीज एग्रीमेंट साइन किया है, ये कैसे आउट हुआ, ये कैसे मीडिया में आया, उसके बारे में समझते हैं। तो गाइस, अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो एयरक्राफ्ट स्पॉटर हैं, जो एयरक्राफ्ट स्पॉट करते हैं, वो जेट एयरवेज के लाइब्रेरी में, यानी कि जेट एयरवेज का जो पेंटिंग है, जो आप देखते हो राइजिंग सन का जो पेंटिंग है जेट एयरवेज लिखा रहता है, उस फॉर्मेट में एक साइबेरियन एयरक्राफ्ट का एयरबस A320 के ऊपर पेंट देखा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जो साइबेरियन एयरक्राफ्ट है वो जेट एयरवेज को मिल रहा है लीज पे, तो इसलिए वो जो पेंटिंग है जेट एयरवेज का उस पे ऑलरेडी लगा दिया गया है। लेकिन क्योंकि अभी जेट एयरवेज का डिलीवरी नहीं हुआ है, इसलिए जेट एयरवेज को अभी वो एयरक्राफ्ट नहीं मिला है, वो भी साइबेरियन ही यूज कर रहा है उस एयरक्राफ्ट को। लेकिन जैसे ही इसका लीज एग्रीमेंट और सारा काम पूरा फाइनल होगा, जेट एयरवेज को एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया जाएगा, और मे बी ड्यू टू सम इशू वो जेट एयरवेज को डिलीवर नहीं किया गया है। तो ये न्यूज कहीं ना कहीं जेट एयरवेज के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है, बिकॉज जब जेट एयरवेज का लाइब्रेरी किसी एयरक्राफ्ट पे लग गया, इसका मतलब जेट एयरवेज कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ रहा है। जेट एयरवेज का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने के कगार पे है ना। हम लोग बहुत टाइम से, मैं स्पेशली बहुत टाइम से जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलर जो भी अपडेट होता है वो कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुंचे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचे, है ना। मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ, और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक करेक्ट सोर्सेज से मुझे मिलता है और मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ही आप तक इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ। तो एक होप है कि बहुत ही जल्द जेट एयरवेज जो अपना ऑपरेशन है वो एयरबस A320 के साथ स्टार्ट कर सकता है। तो हम लोग कंफ्यूजन था कि यार एयरबस ले रही है या बोइंग ले रही है, बट फिलहाल ये जो कंफ्यूजन है ये दूर होता है। तो जेट एयरवेज जो है वो एयरबस A320 यानी कि A320 फैमिली का एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज लेने वाली है। तो एक दो और ऐसे अपडेट्स हैं जेट एयरवेज का जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर इसमें अपडेट वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप ऑब्वियसली नहीं देख पाओगे, 4-5 मिनट का वीडियो ही बहुत सारे लोग देखते हैं। तो क्योंकि ये अपडेट आप मिस ना कर दो, इसलिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये अपडेट डालूंगा। बस आशा करता हूँ कि आपको आज का जो अपडेट है अच्छा लगा हो, आज का अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इसी तरह से आप चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड, एविएशन कोर्सेज से रिलेटेड, मतलब एविएशन में किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मैं वीडियो रिलीज कर चुका हूँ और आप देख सकते हो। और डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए स्पेशल डिमांड पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर आएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वीडियो के फॉर्म में आपका रिप्लाई दूंगा और वहाँ भी आपका रिप्लाई दूंगा। सो गाइस, कम ऑन, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी, बट आई कैन सी यू, जय हिंद, सी यू सून एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप लोग खूब एंजॉय करो, खूब मस्ती करो और हैप्पी 2 अक्टूबर, हैप्पी गांधी जयंती। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।